यार रिक्शा नहीं मिला, इस वजह से पैदल आना पड़ रहा है। तुम सब्र करो, बस मैं पहुंच रही हूँ। जो कुछ भी है निकाल दो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, प्लीज मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। ओ मैडम, थोड़ा होशियारी ना दिखाओ वरना गोली मार देंगे। बल्कि बाकी चीजें भी निकाल, जल्दी निकाल। ओए भाग गाड़ी आगे। कोई पकड़ो उन्हें यार, मेरा फोन ले गए, प्लीज कोई पकड़ो। मैडम क्या हुआ है, कौन थे ये लड़के? वो लड़के मेरा मोबाइल छीन के ले गए हैं, प्लीज आप कुछ करें प्लीज। मोबाइल छीन के ले गए, आए फिर बैठे हम उन्हें पकड़ते हैं, आए। नहीं नहीं आप अकेले चले जाएं, उनके पास गन है, ये ना वो हमें नुकसान पहुंचा दें। अरे नहीं नहीं वो आवारा लड़के हैं, इनके पास कोई गनशन नहीं होगी, आप बस जल्दी से बैठे वरना वो आगे निकल जाएंगे, आए। पता नहीं वो मनहूस गाड़ी वाला कहाँ से आ गया, वरना हम उस लड़की से और भी बहुत कुछ निकलवा सकते थे। ओ भाई तू फिक्र क्यों करता है, ये फोन देख, यही हमें 2-3 लाख दे देगा। चलो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। क्या यही है वो लड़के? हाँ हाँ यही है वो दोनों। ठीक है चलो फिर। ओए वही लड़की और साथ? खबरदार अगर एक लफ्ज भी बोला तो लड़की का मोबाइल उसे वापस करो। अरे शोधी भाई आप, हमें कसम से नहीं पता था कि ये आपकी दोस्त है। अच्छा अगर मेरे जानने वाली नहीं होगी तो क्या तुम उसे ऐसे ही लूटोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह का घटिया काम करते हुए। लाओ सामान वापस करो। जी जी भाई गलती हो गई, हमें माफ कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, आप भी उनकी तरह गुंडे हैं जो वो आपसे इस तरह डर के भाग गए हैं? अरे नहीं नहीं, इस तरह के बहुत से बदमाशों को मैंने जेल की हवा खिलवाई है, शायद इसी वजह से डर के भाग गए। चले आए अब मैं आपको छोड़ दूं। बहुत शुक्रिया यार तुम दोनों का। वैसे रियाज तेरी ओवर एक्टिंग ने मुझे आज फंसवा देना था। हाँ मैं इससे बोल भी रहा था कि इतनी ओवर एक्टिंग ना कर, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, आपा ने तो लड़की को इम्प्रेस कर ही लिया। ये ले बजा तो अपनी गाड़ी की चाबी और जाता हुआ मुझे तो घर छोड़ दे। हाँ ठीक है चल रियाज, होती है फिर मुलाकात। वैसे हद है, मैंने इसकी मदद की और ये आगे से मुझे बातें सुना रहा है, उल्टा उस लड़की के सामने भी मैं बुरा बना। चलो इसका तो बंदोबस्त करता हूँ। मैडम मैडम एक मिनट बात सुने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की, बुलाओ शोजी को। अरे घबराए नहीं, मैं आपको यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया, बल्कि एक हकीकत से आगाह करने आया हूँ। हकीकत? कैसी हकीकत, कहना क्या चाहते हो तुम? शोजी ने आपके करीब आने के लिए हमारे साथ प्लान किया। यार तूने उस लड़की को इम्प्रेस करना है ना, तो जैसे तू कहेगा वैसे ही कर लेते हैं, क्यों रियाज? ना बाबा ना, ऐसा घटिया काम मैं नहीं कर सकता, कल को अगर फंस गए तो। ओ भाई मैं तुझे गारंटी दे देता हूँ नहीं तू फंसता, और यही है तेरी दोस्ती? अब तू इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, चलो देख लेते हैं। चल अब तो खुश हो जा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, और अब ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? असल में उसकी नीयत ठीक नहीं है इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। हाँ मैं भी तुमसे मुलाकात करना चाह रहा था, बल्कि ऐसे करो हैबिट रेस्टोरेंट आ जाओ। ओके मैं अभी आ रही हूँ। अरे आ गई तुम, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? क्या मतलब है तुम्हारा, कैसी बात कर रही हो? मुझे सारी हकीकत पता लग चुकी है कि तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए क्या झूठा ड्रामा किया। देखो मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कहाँ से पता चला है, लेकिन मैंने तुम्हें आज यहाँ पे यही सब बताने के लिए बुलाया था, क्योंकि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओ मिस्टर शट अप, तुम्हें क्या लगता है कि झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता कायम हो जाएगा? हरगिज नहीं। मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं अब तो सच बोल रहा हूँ ना। मूव करें सर। नहीं अभी थोड़ा वेट करो। चलो ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं मानती तो मैं जबरदस्ती तुम्हें मनवा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी गंदी नियत का अंदाजा पहले ही हो गया था, इसलिए मैं अकेली नहीं आई, बल्कि मेरे साथ कोई और भी आया।
मुझे पकड़ ले इसे। तेरी तो आज की मुछुक्की हम निकालेंगे, चल ले चल इसे थाने। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।